नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपना जो आधार कार्ड है वो हमारे पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें। तो हम आ गए अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल में, वहाँ पर हमको टाइप करना होता है लिंक आधार टू पैन कार्ड। जैसे जैसे मैं करता हूँ टाइप, वैसे वैसे आपको भी करना है, तो आप ये प्रोसेस पूरा कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपको मैं लाल रंग से मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही करना। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर दे दूंगा, उस लिंक पर आप टच करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो ये वेबसाइट थोड़ी लोड वगैरह ले लेती है कभी कभी। उस वेबसाइट पर आप टच करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट में आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, सेकेंड में आपको देना पड़ेगा आपको अपना आधार कार्ड नंबर, उसके बाद में आपको देना पड़ेगा आपका जो भी आधार कार्ड पर आपका नाम है। जैसा जैसा आपको आधार कार्ड में नाम है इसमें आपको देना पड़ेगा। तो इसको आपको टिक मार्क करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत करिए। तो इसको आपको ज़रूर टिक मार्क करना है, ठीक है दोस्तों। पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप ये स्टेप ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगे। नीचे में आपको ये कैप्चा कोड है, तो ये कैप्चा कोड यहाँ पे है, इसको आपको जैसा है वैसा ही इसमें फिल करना होगा। नीचे आपको इसमें आपको इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट ओटीपी, रिक्वेस्ट ओटीपी ये वाला यहाँ पे है, देख लीजिए। यहाँ पे आप इसको टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर वगैरह दे देता हूँ। मैंने तो अपना आधार कार्ड नंबर इसी वेबसाइट से लिंक पैन कार्ड से कर लिया था, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ अब कैसे करें। अगर आपका आधार कार्ड पहले ही अब आपके पैन कार्ड से लिंक है तो यहाँ पर बता देगा आपको कि स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, लिंक दे देगा, उस पर आप टच करके देख लेंगे लिंक है या नहीं। तो यहाँ पे आप मैं अपना आधार कार्ड वगैरह भर लेता हूँ, पैन कार्ड भर लेता हूँ। नीचे जो यहाँ पर कैप्चा कोड है इसको मैं डाल देता हूँ। ये एबीसी के बड़े अक्षर में, तो हमें बड़े में डालना पड़ेगा। फोर डब्ल्यू पी एन ए, फोर डब्ल्यू एंड फोर डब्ल्यू पी एन ए। तो यहाँ पे अभी मैं करने वाला हूँ रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने टिक मार्क लगा दिया है, तो यहाँ पे अपना मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं टच करूँगा लिंक आधार कार्ड पे, ये वाला आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है ये कि व्यू द स्टेटस हैव ऑलरेडी आधार पैन टू लिंक,
देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर कि मेरा जो आधार कार्ड है मेरे पैन कार्ड से पहले ही लिंक है। अभी हमें इस पर क्लिक करेंगे जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला क्लिक हेयर, तो यहाँ पे मैं क्लिक हेयर पे कर देता हूँ क्लिक। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा और आधार कार्ड नंबर देना होगा। चलिए मैं इसमें अपना आधार और पैन कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना पैन और आधार कार्ड नंबर डाल दिया। तो हमें अभी इस वाले पर करना है क्लिक, व्यू लिंक एंड आधार स्टेटस। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी टच। टच करने के बाद दोस्तों देख लीजिए क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग वगैरह लेगा ऐसे। तो यहाँ पर देख लीजिए तो दोस्तों ऐसा मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा, यूअर पैन लिंकिंग टू नंबर आधार कार्ड। देख लीजिए दोस्तों मेरा आधार कार्ड है, मेरे जो मेरा ये आधार कार्ड मेरे इस वाले पैन कार्ड से, यहाँ पर मेरे इस वाले आधार कार्ड से लिंक है। तो ये बिल्कुल रियल प्रोसेस था, ऐसा आपको कोई भी नहीं बंदा समझाएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। मेरा चैनल दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।